अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ हलवा पूरी की रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने इस रेसिपी को 4 स्टेप में बनाया है। पहले स्टेप नंबर 1 में पूरी तैयार करेंगे। 1 किलो मैदा लिया है मैंने, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 4 खाने के चम्मच घी, पानी चाहिए होगा। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब सबसे पहले किसी बर्तन में मैंने मैदा डाल दिया है और साथ ही नमक, बेकिंग पाउडर और 4 खाने के चम्मच इसमें घी शामिल कर लिया है और इसे अब मैं पानी की मदद से सॉफ्ट सा डो तैयार करूंगी इसका। अब इसे आधे घंटे के लिए घी लगाकर मैं छोड़ दूंगी ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। आधे घंटे के बाद मैंने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं। आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े बना सकते हैं पूरियों के पेड़े। अब मैं पूरी बेल लूँगी घी लगाकर हल्का सा, या फिर हल्का सा मैदा लगाकर आप इसे अच्छी तरीके से बेल लें। ये देखिए इस तरीके से ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब देखिए मैंने एक छोटा सा बाउल डाला है डो का। जैसे घी गरम हो गया है तो उसमें मैंने पूरी डाल ली है। अब पूरी को अच्छी तरीके से आपने फ्राई करना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से फूल चुकी है। अब इस तरह प्रेस कर करके आपने इसे फ्राई करना है दोनों तरफ से। पूरी हमारी तैयार हो चुकी है। इस तरह तमाम पूरियाँ फ्राई कर लें। स्टेप नंबर 2 में मैं आपको चने का सालन बनाना सिखाऊंगी। 2 कप मैंने चिकपीस लिए हैं, उन्हें उबाल लिया है। 1 चाय का चम्मच नमक, 1/2 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा, 3 मैंने मिर्चें ली हैं छोटी उन्हें चॉप कर लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और ये चनों का पानी है। ऑयल चाहिए होगा। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब सबसे पहले पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा इसमें ज़ीरा डाल दिया है मैंने। हल्का सा जीरे को आप कड़कड़ा लें। और तमाम स्पाइसेस में शामिल कर दें, हरी मिर्च, हल्दी, धनिया। नमक, लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे 2-3 सेकंड के लिए आपने थोड़ा पकाना है ताकि कच्चापन मसाले का ख़त्म हो जाए। अब इसमें मैंने उबले हुए चने शामिल कर दिए हैं। अब इन्हें भी कुछ मिनट के लिए मैं भूनूंगी। अब साथ ही इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया। चनों का मैंने अलग से निकाल लिया था, तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। अब जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा इसे ढककर पकाएंगे।
ये देखिए ऐसे बॉयल आ चुका है। अब मैंने लिड कवर कर दिया है इस पर और इसे तकरीबन 2-3 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाऊंगी। ये देखें, ये 2-3 मिनट में बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुके हैं। और आखिर में धनिया पुदीना इस पर गार्निश कर दें। ये तैयार हो चुके हैं। स्टेप नंबर 3 में आलू की तरकारी बनाएंगे। इसके लिए 4 मैंने आलूओं को उबाल लिया है छिलके समेत, 1 चाय का चम्मच जीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, हाँ और 1 चाय का चम्मच धनिया, कुटी मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून सौंफ, थोड़ी सी चुटकी भर राई ली है, कलौंजी ली है और आमचूर पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, और ऑयल चाहिए होगा। सबसे पहले मैंने ऑयल गरम कर लिया पैन में डालकर, और साथ ही इसमें तमाम मेथी दाना, जीरा, सौंफ, कलौंजी और धनिया, कुटी मिर्च, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, नमक डालकर इसे भी 2-3 सेकंड के लिए थोड़ा पकाना है। हल्दी भी इसमें शामिल कर दी है। अब इसमें बॉयल किए हुए आलू शामिल कर दिए हैं। आलूओं का छिलका मत उतारिएगा, इन्हें ऐसे इस तरह ही धोकर बॉयल कर लीजिएगा और फिर मैश कर लीजिएगा। थोड़ा मिक्स करना है। अब इसमें तकरीबन 1 ग्लास पानी, आधा ग्लास या 1 ग्लास पानी शामिल कर दें। और इसे भी कवर करके 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल दम की आग पर जो है पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखें, 2-3 मिनट बाद ये अच्छी तरीके से पक चुके हैं, ये तैयार हो चुके हैं। फ्लेम बंद कर दें। स्टेप नंबर 4 में हलवा तैयार करेंगे। 2 कप सूजी ली है मैंने, 2 कप चीनी, 2 कप घी, 5 इलायचियाँ ली हैं छोटी, थोड़ा सा फूड कलर येलो चाहिए होगा और केवड़ा एसेंस चाहिए होगा। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब सबसे पहले पैन में और घी डाल दिया है मैंने। जैसे घी थोड़ा पिघल गया तो इसमें इलायची शामिल कर दी। इलायचियों को थोड़ा सा पकाएं। और फिर इसमें सूजी मैंने शामिल कर दी है। अब मीडियम फ्लेम पर सूजी को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें, सूजी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब इस तरीके से ढककर रखकर आप इसमें पानी शामिल करें आहिस्ता आहिस्ता, बहुत एहतियात के साथ। तकरीबन 1.5 या 1 ग्लास पानी इसमें शामिल कर दें और साथ ही चीनी इसमें डाल दें। और कलर भी इसमें शामिल कर लें। मैंने कलर को थोड़ा पानी में घोल लिया था। अब इसे इतना पकाना है कि इसमें हल्का सा बॉयल आना शुरू हो जाए। और साथ ही थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी डाल दिया है। ये
देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है और इतना ही पतला होना चाहिए, थोड़ी देर में खुद ही सेट हो जाएगा। हलवा पूरी का हलवा पतला ही होता है। लीजिए मज़ेदार हलवा पूरी बिल्कुल रेडी है, ये बहुत टेस्टी बनती है। मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।